रेसलिंग चैनल। तो गाइस आज मैं बात करने वाला कुछ ऐसे फिनिशर मूव्स की जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ज़्यादा सेव किया ताकि उन्हें खतरनाक दिखाया जाए, ब्रूटल दिखाया जाए, बेस्ट दिखाया जाए, ताकि उनके एक ही इस्तेमाल से सामने वाला रेसलर चित्त हो जाए। तो गाइस आज मैं ऐसे मूव्स की बात करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को या सब्सक्राइब कर लो पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, फर्स्ट मूव आता है गुंथर का। तो गुंथर का जो मूव है वो सबसे ज़्यादा सेव कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस टाइम पे। एंड गाइस वो जो पावर बॉम्ब लगाते हैं, क्लोज वन लगाते हैं, उसके बाद वो सबसे खतरनाक मूव है गाइस। एंड उस मूव के कारण ही गुंथर बेस्ट, एंड गुंथर की रेसलिंग भाई सबसे टॉप लेवल पे है इस वक्त। एंड टॉप पे होने के लिए उन्हें वो मूव चाहिए। गुंथर का मूव इसलिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि उन्हें बेस्ट लेवल पर पुश किया जा सके। तो गाइस नेक्स्ट आते हैं इसी रो पे हमारे दी रॉक का। द रॉक का जो पीपल्स एल्बो है बहुत ही सिंपल सा प्रोटेक्टेड सा मूव है, लेकिन गाइस डब्ल्यू ने उस मूव को इस तरह से बना रही है बनाया था कि वो लगे कि हाँ एक बार लग गया तो बंदा चित्त है। तो गाइस रूथलेस एग्रेशन में इनके मूव को एक बार लगने के बाद ही बंदा चित्त दिखा दिया जाता था। एंड गाइस इनके मूव को इतना ज़्यादा ओवर कर दिया गया कि हाँ आप पीपल्स चैम्प द एल्बो सबसे बेस्ट मूव बना दिया गया था। एंड ओवर सिलिंग मूव था एंड बेस्ट मूव बना दिया गया था। एंड गाइस जो भी इस पर किकआउट करता था वो गाइस द परफेक्ट रेसलर होता था। आप ये मान के देखो कि बेस्ट रेसलर होता था जो इनके मूव पे किकआउट कर जाता था। एंड दिस इज द बेस्ट मूव एवर मेकिंग इन रूथलेस एग्रेशन फॉर डिफीट अवर ओपोनेंट। ये इसलिए बनाया गया था कि सबसे बेस्ट मूव बने। एंड गाइस नेक्स्ट हमारे आते हैं, वो आते हैं स्नेक द जेकब रॉबर्ट। आपको पता है वो स्नेक लाते थे। एंड गाइस उनकी डीडीटी होती थी एक, तो वो डीडीटी लगाते थे, बंदा चित हो जाता था। उस मूव को इतना बेस्ट बना दिया गया था उस टाइम पे। अब तो फिलहाल हर रेसलर डीडीटी यूज़ करता, लेकिन उस टाइम स्नेक द रॉबर्ट यूज़ करते थे। एंड गाइस उस टाइम पे डीडीटी को इतना बेस्ट बनाया गया था ना कि हाँ एक बार लगी तो बंदा गया। लेकिन गाइस इससे ब्रेक किया था अंडरटेकर ने, और अंडरटेकर ने से ब्रेक कर दिया था। गाइस नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारे बैरन कॉर्बन। तो उसके मूव को भी सीलिंग मूव बनाया गया था बेस्ट, आपको पता है डेज ऑफ एंड। तो गाइस मैच के मूव को इतना खतरनाक बनाया गया था ना इनके भाई साहब, एक बार लग गया तो बंदा चित है, बंदा उठेगा नहीं। तो इतना खतरनाक मूव बना दिया गया, सीलिंग टाइप बेस्ट मूव था यह गाइस। तो इस बेस्ट मूव बनाने के लिए सबसे परफेक्ट चीज़ की डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ कि बंदा उठता नहीं था। एंड गाइस एक बार इसे ब्रेक हुआ था जब ड्रू मैकइंटायर ने इस पर किकआउट किया था, फर्स्ट टाइम एवर ब्रेक। नेक्स्ट है गाइस हमारा हुल्क होगन। तो हुल्क होगन का मूव जो था लेग ड्रॉप इज द बेस्ट मूव एवर इन ओल्ड टाइम, सबसे बेस्ट मूव था, इज अ बेस्ट मूव एवर। एंड दे आर जस्ट स्ट्राइक वन टाइम एंड ओपोनेंट विल बी डिस्ट्रॉय, सॉरी ओपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता था, ओपोनेंट हार जाता था। ऐसा मूव था कि बंदा चित्त हो जाता था, और इतना बेस्ट मूव था ना, मतलब बेस्ट नहीं था, ओवर सेलिंग बना दिया उस टाइम पे। यार नेट तो होता नहीं था, तो आपको पता है टीवी पे लोग वॉच करते थे, सबसे ज़्यादा लोग वॉच करते थे, ऐसा मूव बनाया था हुल्क होगन का। एंड हुल्क होगन इसी मूव के कारण सबसे ज़्यादा ओवर भी हो गए थे। एंड हुल्क होगन वही सुपरस्टार है जिन्होंने डब्ल्यू को फर्श से अर्श पे ले गए, मतलब नीचे से टॉप लेवल पर। एंड उनका पुश सबसे खतरनाक था, आज तक वैसा पुश किसी को नहीं मिला भाई, हुल्क होगन जैसा पुश किसी को नहीं मिल पाया। नेक्स्ट है हमारे, इसी में आते हैं आपको पता का संतरना मोसरेला जो आपके थे सुपरस्टार, वो कोबरा स्ट्राइक यूज करते थे। एंड गाइस फनीएस्ट मूव था, एंड डब्ल्यू ने इस मूव को भी बहुत ज़्यादा सेव किया, बहुत ज़्यादा बचाया। एंड गाइस ये मूव इतना फनी था कि लगता था ऐसे बंदा मतलब क्या है मूव। लेकिन गाइस स्नेक द सॉरी जो मोज़रेला थे उन्होंने कहा था कि ये मूव जो है वो सबसे सिंपल मूव है, एंड किसी पे भी यूज़ किया जा सकता है, किसी भी टाइम यूज़ किया जा सकता है। एंड गाइस ये फनीएस्ट थिंग भी थी। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा, वो है अंडरटेकर का टू स्टोन पाइल ड्राइवर। तो गाइस टू स्टोन पाइल ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा बेस्ट मूव था, एंड एक बार लग जाता था बंदा उठ नहीं पाता था, कि काउंट नहीं हो पाता था, एंड बहुत सीलिंग मूव था। एंड डब्ल्यू ने बहुत देर से प्रोटेक्ट करके रखा, लेकिन गाइस शॉन माइकल ने इस पर किकआउट कर दिया था। नेक्स्ट है गाइज वो आता है हमारा, नेक्स्ट मूव आता है, वो आता है हमारा KO पंच बिक्शो। बिक्शो अब AEW में चले गए हैं। तो गाइज बिक्शो का KO भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया था, ऐसा मूव था जो बेस्ट बनाया गया, एक नेक्स्ट लेवल पे बनाया गया, ताकि एक पंच बजे और बंदा तानाशाह हो जाए, गिर जाए। और वो हुआ भी ऐसे, क्योंकि पता है बिक्शो का एक ही पंच पड़ता था और सारे बंदे चित्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारा सबसे बेस्ट मूव बबर आई डर्ली। अब वो पता ही, उन्होंने D1 जो अब यूज़ होता है उसों के द्वारा होता है D1 टेबल, वो मूव भी बहुत ज़्यादा सिलिंग मूव बना दिया गया था, बेस्ट मूव था। एक बार लगता था बंदा चित, एक बार लगता था बंदा डाउन, वो भी परफेक्ट मूव था यार। आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत बेस्ट मूव था, सिलिंग मूव था, बेस्ट टैग टीम थी, 10 टाइम टैग टीम बनी थी बबर आई डर्ली की टीम।
एंड गाइस लास्ट में आता है रैंडी ऑर्टन की पंट किक। आर क्यों तो आपको पता है वैसे मूवी है, लेकिन पंट किक सबसे खतरनाक मूवी थी। लेजेंड किलर स्टेटस में पंट किक से मिला था। एंड गाइस जिस पे लगाते थे बेस्ट लगाते थे, खतरनाक वे से लगाते थे। और गाइस ये परफेक्ट मूव सीलिंग वाइज सबसे बेस्ट था। एंड गाइस लास्ट में इस पर किकआउट भी होने लग पड़े तो डब्ल्यू ने इसका भी बेकार कर दिया। तो ये गाइस टॉप स्टार थे जिनके मूव को प्रोटेक्ट किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।